कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। आपने अभी देखिए पिछली क्लास में जो कुछ भी सीखा था, आपको कभी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देता था, आपको कोई एक कंपाउंड देता था, उसी कंपाउंड के मोल मास वॉल्यूम वगैरह आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाता था। ठीक है, अभी क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन दी रहेगी, उसमें से किसी एक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी और दूसरे सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करने को बोला जाएगा, और इस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मोल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मास को ना बना सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करेगा। जैसे आपने कोई एक कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं आप, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, तो वो केमिकल रिएक्शन में वो डिकम्पोज होगा या फिर कंबाइन होगा और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप देखेंगे उस रिएक्शन में कि लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास हमेशा आप इक्वल रखते हो, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें हमेशा इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आप स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना है, क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अब लेट मैंने यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है। अब इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करिए, तो बाय चांस ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर इन केस ये बैलेंस नहीं होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड में वन कैल्शियम, राइट हैंड साइड पे वन कैल्शियम, लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे भी थ्री ऑक्सीजन, और लेफ्ट हैंड साइड पे वन कार्बन, राइट हैंड साइड पे भी वन कार्बन यहां पर है, इक्वेशन बैलेंस है। अब देखिए इक्वेशन, जब आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन होती है ना, तो आपके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई इस इक्वेशन में, देखिए इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के बाहर देखिए नंबर क्या लिखा है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब वहां पे वन है, तो इसके मतलब इस इक्वेशन में इसके यहां पर क्या लिखे हुए है, मोल लिखे हुए, कितने मोल है इसके यहाँ पर, वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, ये भी वन मोल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर कितना है, ये भी आपको यहां पर वन मोल दिया हुआ है, दोनों यहां पे आपको कितना दिया है, सब वन मोल दिया हुआ है। ठीक, अच्छा ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हो इस वन मोल का मास कितना होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास, तो किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का मास उस सब्सटेंस के मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर मास अगर आप फाइंड करोगे दैट विल कम 100, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिकुलर मास आप फाइंड करोगे दैट विल कम 56, ऐसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास फाइंड करोगे दैट विल कम 44। तो ये आपको इन सब के देखिए इक्वेशन के साथ साथ मास भी मिल गया। ठीक है, अगर आपको इन सब के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो तो वन मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है भाई, एवोगैड्रो नंबर। वन मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर, वन मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर, हमें देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मिल गया। अब हम वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम हम लोग जब भी देखेंगे तो हम हमेशा एसटीपी पर देखेंगे, तो एट एसटीपी बताइए वन मोल सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम कितना आएगा और वन मोल कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड का कितना आएगा। हम वॉल्यूम सिर्फ किसका बता सकते थे, गैस का बता सकते, सॉलिड और लिक्विड का नहीं बता सकते।
ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका वॉल्यूम वाला प्लेस आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये भी देखो सॉलिड है, इसका भी स्पेस ब्लैंक छोड़ दीजिए, लेकिन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और 1 मोल है, तो 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है भाई? सबको याद रहना चाहिए, 22.4 लीटर। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन जब आपके पास आती है तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली नोन हो जाती है। अब क्वेश्चन देखिए आपसे कैसे पूछता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, लाइक आपसे बोलेगा यहां पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए कितना दिया? आंसर करिए, सबको आंसर करना है इसका। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 1। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 44। बिल्कुल सही, इतना आसान था, सिंपल है ना। अच्छा अभी अगर क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ट्वेंटी एट आएगा। क्लियर? आपसे अगर मैं पूछूं कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP? परफेक्ट, अभी आप समझ गए, इसी को बोलते हैं स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसी को बोला जाता है स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये सब नोट कर लीजिए, अब मैं इसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। आपको एक पहले इक्वेशन में दे दे रहा हूँ, इक्वेशन गिवन है 34 ग्राम अमोनिया डिकम्पोजेस फाइंड फाइंड ए पार्ट मास ऑफ N2, बी पार्ट वॉल्यूम ऑफ H2 एट ST। एक क्वेश्चन ये वाला करिए, चलिए शुरू हो जाइए, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तब तक आप ये वाला सॉल्व करो। ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आपने, चलिए ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 34 ग्राम NH3। तो इसको देखिए एज ए एक्सपर्ट कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपर्ट लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप बिगनर होते हैं ना तो एक सबसे आसान सा मेथड है, जो भी डेटा आपको दिया है कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू मोल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड कर लो मोल ऑफ NH3 कितना आ गया भाई, मोल ऑफ NH3 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना मोल आ गया, 2 मोल। ठीक, अब आपने NH3 के मोल निकाल लिए, अब बैलेंस इक्वेशन के पास जाओ। अब देखो इस बैलेंस इक्वेशन में जब इसके 2 मोल लेते थे तो N2 के कितने मोल हैं, 2 मोल NH3 गिव्स 1 मोल ऑफ N2, सिंपल। तो आपके पास बाई चांस NH3 टू ही मोल था तो N2 के आपको मोल मिल गए, तो मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 28 ग्राम। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक, अब इसी का देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में तो आप बस यहां पे जाओ, 2 मोल NH3 लिया था तो हाइड्रोजन कितना मोल मिल रहा है आपको, 2 मोल NH3 गिव्स 3 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअली NH3 2 ही मोल था, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने मोल वहां पे प्रोड्यूस हुए, 3,
तो अब आप सीधे आ जाओगे, वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू होता है मोल इनटू 22.4, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 67.2 लीटर। ये होता है आपके दोनों पार्ट का आंसर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है इस क्वेश्चन में वो है बैलेंस दिस इक्वेशन, स्टेप नंबर वन। जैसे ही आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे फिर क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको देखिए क्वेश्चन में उल्टा जाना है, ऑक्सीजन को आपको 11.2 लीटर दिया है, ऑक्सीजन इसके आप फाइंड करिए मोल कितना आ जाएगा, 11.2 डिवाइड बाय 22.4, तो ये 0.5 मोल आ जाएगा। अब इक्वेशन में देखिए, जब आप 1 मोल ऑक्सीजन लेते थे तो SO3 कितना था, 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स, 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, 2 गिव्स, गलत वर्ड हो जाएगा, गिव्स नहीं, 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय, 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय 2 मोल ऑफ SO3, तो 0.5 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO3, 1 मोल ऑफ SO3, और 1 मोल SO3 का मास कितना हो जाएगा भाई, 80, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, बिल्कुल सही, गुड। अब इसके बाद बी पार्ट था, अब आपको बी पार्ट में ए का डेटा यूज करना है। अब 80 ग्राम किसका मास था, 1 मोल का मास था, तो आप तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास 1 मोल, अब यहाँ पर देखो 2 मोल SO3 था तो 2 मोल SO2 है, तो एज पर इक्वेशन 2 मोल SO3 गिव्स 2 मोल SO2, तो आपके पास एक्चुअली SO3 कितना है, 1 मोल, तो 1 मोल कितना देगा आपको, 1 मोल ऑफ SO2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 1 मोल में, 1 into Na, दिस इज योर आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया SO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, चलिए गुड। तो स्टोइकोमेट्री इस तरह से सॉल्व किया जाता है, किसी का कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे मोल कॉन्सेप्ट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में आने के लिए काफी फेवरेबल कॉन्सेप्ट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा मतलब होता है द रिएजेंट विच लिमिट्स एनी केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम लोग, इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं तो मेरे साथ साथ लिखते जाइए। The reagent which limits any chemical reaction, पहली डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, The reagent which consumes completely during reaction. Next point, the reagent which consume first in any reaction. Next, the reagent which is present in
less than required amount. The reagent which is present in less than required amount known as limiting reagent. इतने तरह से हम limiting reagent को define कर सकते हैं. Reagent which limits any chemical reaction, the reagent which consumes completely during reaction, the reagent which consumes first in any reaction, the reagent which is present in less than required amount. ठीक है. अच्छा, तो इससे पता चला कि एक reaction तभी तक होगी जब तक उसके अंदर limiting reagent है. तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि लेट वहां पर दो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से अगर ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो ए इफ ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, इफ ए इज लिमिटिंग रिएजेंट तो होगा क्या वहां पर? इफ ए इज लिमिटिंग रिएजेंट तो ए वहां पर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, बट बी जो है वहां पर थोड़ा सा बचा रह जाएगा आफ्टर रिएक्शन. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ अदर रिएजेंट रिमेनिंग, आप वो निकाल सकते हैं. हमें ये पूछा जा सकता है हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म, क्लियर. और तीसरी चीज, लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड कब करना पड़ता है? व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन रिएक्शन, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन रिएक्शन देन ओनली हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? लिमिटिंग रिएजेंट. और जब कोई अकेला सब्सटेंस होता है तो फिर उसमें क्या, अकेला है तो फिर वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही एक्सेस रिएजेंट होगा, सब कुछ वही होगा. तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट का प्रेडिक्शन तब लेने की जरूरत पड़ती है व्हेन वी हैव मोर देन वन रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो इसके बाद अब इनको एग्जाम्पल से थोड़ा सा देखते हैं. लेट हमने एक यहां पर एग्जाम्पल लिया, एक इक्वेशन ली हुई है, आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं. N2+3H2 gives 2NH3, ऐसे दिया हुआ है. पहला स्टेप तो वही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अब लेट हमें क्वेश्चन में नाइट्रोजन के 1 मोल दिए थे और हाइड्रोजन के भी 1 मोल दिए हैं. ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा. अब देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूं, मेरे स्टेप्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा. पहला स्टेप मैं लिखूंगा फ्रॉम दी रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में देखिए नाइट्रोजन कितना मोल है, 1 मोल, और हाइड्रोजन कितना मोल है, 3 मोल. तो फर्स्ट स्टेप आप रिएक्शन से लिखिए, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल हाइड्रोजन. ठीक है, ये हमने किससे लिखा है, रिएक्शन से. अब जाइए गिवन डेटा के पास. अब बाय चांस गिवन डेटा भी 1 ही था, तो उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हमें 1 मोल नाइट्रोजन होता है तो हमें हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 3. We have requirement of 3, but actually we have how many hydrogen? Less than required amount, 1 mole. देखिए, which is present in less than required amount. तो यहाँ पे hydrogen देखिए कितना है, requirement से ज्यादा दिया है या requirement से कम दिया है, requirement से कम दिया है. इसका मतलब here hydrogen becomes limiting reagent. किसी को, चलिए अगर आप समझ गए हो तो मैं आपको अलग अलग रिएक्शंस दे रहा हूँ और आप उसमें मुझे लिमिटिंग रिएजेंट बताइए. मैं अलग अलग रिएक्शंस और अलग अलग एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ. जैसे मैंने यही लिया आपसे, N2+3H2 gives 2NH3. N2 आपका यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर 2 मोल लिया गया है और ये यहाँ पे 5 मोल लिया गया है. और आपको बताना है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है. दूसरा क्वेश्चन आपको दिया मैंने ऐसे ही, ये तो पहला क्वेश्चन है. उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको दिया SO2+O2 gives SO3. ठीक है, तो इसमें
इनिशियली आपको कौन कितना दिया है ध्यान से देखिए, ये आपको 0.5 मोल दिया है और ये भी 0.5 मोल दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है पहला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, दूसरा पार्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग, सी पार्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं, पहले आप ट्राई कर लो। देखो फर्स्ट वाला पहले पार्ट का तो आंसर सबको क्लियर हो ही गया होगा, इसका आंसर है हाइड्रोजन, ये इसका लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरे वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम होना चाहिए बैलेंस दिस इक्वेशन, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे तो आंसर गलत ही आने वाला है, ठीक है। अब आपने एक बार बैलेंस कर लिया, अब जरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके जब 2 मोल लेते हैं तो अब सबसे पहले आप लिखोगे कि 2 मोल SO2 रिक्वायर्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, 1 मोल O2। जब 2 मोल SO2 लेते हैं तो O2 1 मोल होगा, तो अगर हमने 1 मोल SO2 लिया है तो O2 कितना हो जाएगा, 1/2 मोल। अब लेकिन एक्चुअली SO2 आपका कितना दिया है, 1/2 मोल, तो अगर 1/2 मोल SO2 लेंगे तो ये कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 1/2 × 1/2 दैट इज 1/4, 1/4 को हम लिखेंगे तो 0.25 मोल ऑफ O2। तो इतना O2 आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड O2 है 0.25 और यहाँ पर O2 गिवन कितना है 0.5, तो रिक्वायर्ड से ज्यादा है या लेस है, ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट अवेलेबल है आपके पास, आपको रिक्वायर्ड सिर्फ 0.25 है और यहाँ पर गिवन 0.5 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बिकम्स एक्सेस रिएजेंट, तो अगर ऑक्सीजन एक्सेस है तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, लिमिटिंग। तो हियर SO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या करेंगे, अब एक बार आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो गया, ठीक है, तो हमेशा यूनिटरी मेथड में ध्यान रखिएगा, जो आपको फाइंड करना होता है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो फाइंड हमें क्या करना है, ऑक्सीजन। तो अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 0.5 मोल अगर SO2 लेते थे तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना था, देखिए ऊपर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है, 0.25 मोल, देखिए वो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पर। तो अगर 0.25 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो रिमेनिंग कितना रहा होगा, रिमेनिंग 0.5 - 0.25, तो कितना आ गया, 0.25 मोल। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 प्रोड्यूस, तो अब वापस इक्वेशन के पास जाओ। अब देखिए जब इक्वेशन में हमने 2 मोल लेते थे तो SO3 कितना चाहिए आपको, 2 मोल, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट देखना है, लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट को कंपेयर करो, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज SO2, तो SO2 के 2 मोल SO3 SO2 प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO3, 2 मोल ऑफ SO3, ठीक है, ये तो 2 मोल थे, तो लेकिन एक्चुअली आपको पास SO2 कितना है, 0.5 मोल SO2 प्रोड्यूस्ड, हाउ मच, 0.5 मोल SO3, दिस इज योर आंसर।